नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट की डीलरशिप के बारे में। तो एशियन पेंट्स की डीलरशिप हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एशियन पेंट्स का जब हम नाम सुनते हैं तो ये इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पेंट कंपनी है। एशियन पेंट इंडियन पेंट मार्केट का 40% शेयर ओन करती है, जिसकी वजह से ये इंडिया में नंबर वन पेंट कंपनी है। अगर मैं बात करूँ पूरी इंडिया में तो 70,000 से भी ज्यादा डीलर इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा पूरी इंडिया में 6,00,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स इनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 1942 में हुई थी, और अगर हम बात करें इस कंपनी की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की, ये कंपनी इंडिया के अलावा और भी 13 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करती है और वर्ल्ड वाइड 65 कंट्रीज को ये सर्व करती है। पूरे वर्ल्ड वाइड इनके 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से इंडिया के अंदर 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके अवेलेबल है। और अगर मैं इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करूं तो इस कंपनी का रेवेन्यू 34,875 करोड़ रुपए का। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कंपनी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। दोस्तों, जब भी इंडिया में लोग एशियन पेंट की डीलरशिप के बारे में सुनते हैं और अगर उनके पास में अच्छा खासा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो फैसिनेटिंग हो जाते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। क्योंकि जब आदमी के पास में पैसा रहता है तो वो ज्यादा नहीं सोचता और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने के बाद में उसके सामने कंपनी के नेगेटिव साइड आते हैं, जिसकी उसने कल्पना नहीं करी होती है, और उसकी वजह से उसको अल्टीमेटली अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है और बहुत सारे डीलर को इसी वजह से नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंपनी की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन और कैसे अप्लाई करना है इस डीलरशिप के बारे में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, एशियन पेंट की डीलरशिप लेने से पहले अगर आप पेंट इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एरिया का सर्वे करना पड़ेगा। एरिया का सर्वे से मेरा मतलब ये है कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी का पेंट सबसे ज्यादा बिकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर लोगों की इनकम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उस एरिया में बर्जर पेंट बहुत ज्यादा बिकता है। क्योंकि अगर हम बर्जर पेंट को कंपेयर करते हैं दूसरी पेंट कंपनी से, ये बहुत ही सस्ते रेट में इजीली मिल जाता है। तो जिन लोगों की इनकम कम होती है तो वो लोग बहुत ज्यादा महंगा पेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो सस्ता अल्टरनेटिव देखते हैं। उनको पेंट की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ लाइफ कितनी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ पेंट करवाना है। तो दोस्तों, एरिया सर्वे करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा पेंट कौन सा बिक रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। चलिए, अब आपने एरिया सर्वे कर लिया और आपको पता चल गया कि आप एशियन पेंट की डीलरशिप ले सकते हैं, उसके बाद में भी दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनियां किस तरीके से काम करती है। इसके अलावा एक्सपीरियंस से आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज हो जाएगी, जैसे कि एनएमएल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, डिस्टेंपर और कलरेंट वगैरह क्या होता है, ये जो बेसिक चीजें हैं प्रोडक्ट के बारे में, इनकी भी आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहां से आएगा। तो दोस्तों, दो तरीके से ये एक्सपीरियंस आ सकता है। पहला, किसी डीलर के यहां पर आप कुछ दिनों के लिए काम करके ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी डीलर के यहां पर काम नहीं करना है तो पहले आप किसी बड़े डीलर से कुछ प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसके बाद में अपने एरिया में सेल कीजिए। जब आप 3 से 4 महीने किसी डीलर से प्रोडक्ट खरीद कर अपने एरिया में बेचेंगे तो आपको एरिया का बाइंग बिहेवियर भी पता चल जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको एशियन पेंट की डीलरशिप लेनी है तो आपके पास में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। चलिए, आपने अब एक्सपीरियंस ले लिया और अब आप डीलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके एरिया में ऑलरेडी कोई डीलर है तो कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देने वाली है। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सर्टन एरिया रेंज में अगर कोई डीलर अवेलेबल है तो कंपनी वहां पर दूसरे डीलर को डीलरशिप नहीं देती है। वो एरिया रेंज हो सकता है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और कुछ कंपनी में तो वो 10 किलोमीटर का भी एरिया रेंज हो सकता है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके एरिया में अगर ऑलरेडी कोई डीलर है तो चांसेस है कि आपको डीलरशिप नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऐसा एरिया जहां पे आपको डीलरशिप आसानी से मिल जाए, तो आपको उसी एरिया के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरा, हम बात कर लेते हैं एरिया रिक्वायरमेंट के बारे में। तो बहुत सारी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है जहां पर लोगों ने एरिया को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया और उसी वीडियो को किसी और ने कॉपी करके सेम टू सेम रिपीट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके एरिया में कंपनी को लगता है कि डीलरशिप ओपन करनी चाहिए और अगर आपके पास में 100 से 200 स्क्वायर फीट भी है तो आपको इजीली डीलरशिप मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी को एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है। और अगर आप एक ऐसे एरिया के डीलर बनने जा रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी एरिया को ज्यादा कंसीडर नहीं करती है। अगर आपके पास में कम स्पेस भी है तो भी आपको डीलरशिप मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसके अंदर कंपनी आपको मशीनरी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर टिंटिंग मशीन और गायरो सेकर आता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली रेट 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है। लेकिन कंपनियों की बीच बीच में स्कीम भी चलती रहती है, तो ये जो मशीनरी है आपको कम रेट में भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी के टच में हमेशा बने रहना होगा। दूसरा, आपको इनिशियली प्रोडक्ट परचेस करना होगा, तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपका जाएगा 5 से 6 लाख रुपया। मैं 5 से 6 लाख रुपया इसलिए बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कंपनी की अलग अलग शेड्स हैं, इन शेड्स के अलग अलग पैकेजिंग आती है, जैसे कि 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, आधा किलो की, 1 किलो की, 4 किलो की, तो इन सब की क्वांटिटी आपको परचेस करके रखनी होगी। इसके अलावा आपको बेस रखना होगा, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें कंपनी से परचेस करनी होगी, तो उनका अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 6 लाख रुपया लगने वाला है। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको मशीनरी का प्राइस और प्रोडक्ट को परचेस करने की प्राइस। इसके अलावा अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एक बेसिक इंटीरियर भी बनाना होगा, उसके अलावा आपके पास में बेसिक कंप्यूटर और प्रिंटर भी होना चाहिए, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपके शॉप के सेटअप के लिए, तो उसका हम पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपया। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास में 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में 3 से 4 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने पूरा मटेरियल वगैरह सब खरीद लिया, आपके पास में कुछ पैसा नहीं बचा, अब कोई कस्टमर आता है उसको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास में कंपनी से परचेस करने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे, तो आपको वो कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, अगर कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको अरेंज करके दे सके, जिससे आपका कस्टमर छूटेगा नहीं और साथ ही साथ आपकी कस्टमर के साथ बॉन्डिंग भी बनेगी। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आपको कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग बनानी होगी। आप कस्टमर को जितना अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे उतना ही कस्टमर आपके पास में बार बार आएगा। और ये कस्टमर बॉन्डिंग कैसे बनेगी, जितने साल आप इंडस्ट्री में रहोगे, मार्केट में रहोगे, उतने ज्यादा आपको लोग मिलेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपको मिलेंगे उतनी ज्यादा आपकी लोगों से बॉन्डिंग बनेगी, और जितने ज्यादा लोगों से आपकी बॉन्डिंग बनेगी उतने ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सारा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा डीलर बन जाता हूँ, लेकिन दोस्तों बड़ा डीलर बनने से कोई फायदा नहीं है। आप प्रोडक्ट तो परचेस कर लोगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि लोगों के साथ में कैसे बॉन्डिंग बनानी है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, और ये बॉन्डिंग एक दिन का काम नहीं है। आप मार्केट में जितने पुराने रहोगे उतनी ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग बनने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको एशियन पेंट की डीलरशिप लेनी है तो आपके पास में आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होने ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक करंट अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपने शॉप ओपन करके आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके पास में ट्रेड लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आपके अकाउंट की चेकबुक भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी को आपको 3 चेक देने होंगे जब आप डीलरशिप लेने वाले होंगे तब। चलिए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इस कंपनी में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों नॉर्मली आपको 3 से लेकर 8% का प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है, तो इनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है, जिसकी वजह से अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन कम भी मिल रहा है तो इनकी क्वांटिटी इतनी बिकेगी कि आप आसानी से अर्न कर पाएंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। लेकिन दोस्तों आपको अपने एरिया के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो रेगुलरली बिकते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकते हैं उसमें मिनिमम 5% का प्रॉफिट मार्जिन रखना ही होगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको रोजमर्रा के खर्चे उठाने भी मुश्किल हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्ट रेगुलर नहीं बिकते, कम क्वांटिटी में बिकते, उस पे आपको मिनिमम 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है। अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनियां भी अलग अलग स्कीम देती है, जैसे आप एशियन पेंट्स कंपनी के डीलर बन जाते हैं तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में कंपनी आपको कैश डिस्काउंट और RPBT डिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है। कैश डिस्काउंट ये होता है कि अगर आपने इनसे प्रोडक्ट परचेस किया और आपने 3 दिन के अंदर इनके प्रोडक्ट का पेमेंट कर दिया तो आपको 5% का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से मिलता है। और RPBT डिस्काउंट में अगर आप 9 से 10 दिन में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 3.5% का डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरीके की भी स्कीम कंपनियां आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन ये 6 महीना कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि 6 महीना कंपनी आपको ऑब्जर्व करती है कि किस तरीके से आप मार्केट में परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो कंपनी भी फिर आपको सपोर्ट करती है। तो कैश डिस्काउंट और RPBT डिस्काउंट देकर कंपनियां डीलर्स को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से डीलर का थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि एशियन पेंट्स की कंपनी की डीलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग बोलते हैं कि आप इनको ईमेल कर दीजिए या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए तो कंपनी आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और प्रोसीजर के बारे में बता देंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। एशियन पेंट की डीलरशिप के लिए आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, एशियन पेंट की डीलरशिप के लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। अब आप ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास में एशियन पेंट्स के एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर होना बहुत जरूरी है। अब ये एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर आपको कहां से मिलेगा, आप किसी भी बड़े डीलर के पास में जाते हैं तो वो तो डेफिनेटली आपको नहीं देने वाला है, क्योंकि अगर वो आपको एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर दे देगा तो उसके एरिया में तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, उसकी सेल कम होगी, तो सीधी सी बात है वो आपको प्रोवाइड
नहीं करेगा। तो अब बात आती है कि आपको एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों आप एशियन पेंट्स कंपनी के डेपो पे जा सकते हैं, वहाँ पे विजिट करके वहाँ से एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड है जैसे कि बर्जर हो गया, नेरोलैक हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड है, उनके पास में भी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर घूमते रहते हैं उनकी डीलरशिप देने के लिए। तो आप उनको कॉन्टेक्ट करके भी एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर ले सकते हैं। एक बार आपके पास में एरिया सेल्स मैनेजर और डीएसओ का नंबर आ जाता है तो आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि आपको इस एरिया में डीलरशिप ओपन करनी है। तो वो आपके यहाँ पे विजिट करेंगे और उनको लगता होगा कि हाँ आपके एरिया में डीलरशिप ओपन की जा सकती है, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे डीलरशिप दिलवाने के अंदर, जिसके अंदर वो आपकी हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट चेक करने में। अगर आपके पास में सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपको आगे के प्रोसेस के लिए गाइड करेंगे। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आपको कंपनी को पेमेंट करना होगा डीडी के थ्रू। वो डीडी होती है 8 से 8.5 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा जितना मैंने सर्च किया उसमें मुझे पता चला कि आपको 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर की भी रिक्वायरमेंट होगी। उस स्टैम्प पेपर को भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करके और डीडी ये सब साथ में कंपनी में सबमिट करना होगा। एक बार आपके पैसे डीडी के थ्रू कंपनी को मिल जाते हैं तो उसके बाद में कंपनी आपको 10 से 15 दिन में पूरा मटेरियल भेज देती है। एक बार जब मटेरियल आपके पास में आ जाता है तो उसके बाद में आपको कंपनी की तरफ से टारगेट दिए जाते हैं। उन टारगेट्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको अलग अलग स्कीम्स मिलती है और उस स्कीम का बेनिफिट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों एक बार आपने डीलरशिप ले ली उसके बाद में कंपनी की तरफ से आपको हमेशा प्रेशर रहेगा कि आपको उनके दिए हुए टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई महीने 10 लाख रुपए का सेल किया तो कंपनी यही चाहेगी कि आप अगले महीने उससे ज्यादा करें। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले 10 लाख रुपए का टारगेट किया, फिर 9 लाख का किया, फिर 8 लाख का किया। अगर आप हमेशा टारगेट अचीव करते हैं तो आपकी इमेज कंपनी में अच्छी बनती है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो कंपनी में आपकी इमेज नेगेटिव बनती है, फिर कंपनी आपको उसी तरीके से क्रेडिबिलिटी भी देती है। तो दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि आप एशियन पेंट्स की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक और सजेशन आपको रहेगा, अगर आपने एशियन पेंट्स की डीलरशिप ले ली है तो उसके साथ ही साथ आपको एक और साइड में बिजनेस करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस बढ़ते रहे। अगर आप एशियन पेंट की डीलरशिप लेते हैं तो उसके साथ में आप हार्डवेयर का भी बिजनेस कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने ज्यादा आपके पास में ऑप्शन रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग की पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगी और जो भी कस्टमर आपके यहाँ पे आएगा आप कंप्लीट सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आपकी कस्टमर के साथ में बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और आपका सेल भी बढ़ेगा। वैसे तो मैंने एशियन पेंट की डीलरशिप के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी है, फिर भी कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।